एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज आपके साथ मेरे इस यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे आपको याद होगा, पिछले साल एक अपने ही फॉलोअर्स जिन लोगों को हमने ही नॉलेज दिया कि भाई साहब टीके के इंग्रेडिएंट क्या है, टीके के साइड इफेक्ट क्या है, टीके से क्या हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पशन लेटर कैसे लिखा जाए, मास्क के साइड इफेक्ट क्या है, जियोमो क्या है, 3+2G क्या होता है, उस जब एक्टिवेशन से फिर कैसे क्या रेडिशनल न्यूमोनिया होता है, और कैसे क्या सरकार ने तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हुए तुमको उस महामारी के नाम पे उसको चिपका के रखा है। और फिर भी उन लोगों का एक पर्टिकुलर डॉक्टर्स के ग्रुप में उनका एक ही चल रहा है, नहीं महामारी है, वायरस है, वायरस से कैसे बचा जाए, ये उनका प्रोपोगंडा ये यूट्यूबर्स चला रहे थे। अब क्या हो गया है, इनकी यहाँ पे जली कहाँ पे है, इनकी जली है इस बात पे कि डॉक्टर जगदाड़े जो पहले सिर्फ और सिर्फ टीके के जियोमो के इसके बात करता था, अब वो डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, अब वो टाइम स्पेस ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है, अब वो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है। अब उनको सवाल उठे कि डॉक्टर जगदाड़े कैसे क्या बोल सकता है कि वो 5D में आपको लेके जा सकता है, आपको कैसे क्या बोल सकता है, ये हो नहीं सकता, ये ईगो है भाई साहब। मैं अभी भी अगर यहाँ से बंद कर दूँ ना बात ना, या फिर मैंने 2 साल पहले भी 2.5 साल पहले भी अगर मैं बात करना बंद कर देता ना, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता था। मैंने आपके इसके पहले भी आपको बोला है कि भाई साहब ये हमें काम दिया गया है, ये मुझे काम दिया गया कि भाई तू लोगों को बता जगा, इट्स अ कर्मा। आप जब मेडिटेशन करते हो, आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हो, सबसे पहली बात मेडिटेशन के बारे में मैंने बात की जनवरी 2022 की स्टार्टिंग से, मगर इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले यानी पिछले साल अगस्त अप्रैल मई में, जब मैंने एडवोकेट विभोर आनंद जो है उनके साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था 3 घंटे का, उसमें मैंने आपको बहुत से हिंट दिए थे आप लोगों को कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको क्या दिखता है, जब मेडिटेशन करते हो तो आपको गॉड जिन कैसे दिखता है, जब आप डीप मेडिटेशन करते हो तो आपको जो है ओरिजिन ऑफ सोर्स ब्रह्मनाद जिसे कहा जाता है वो कैसे दिखता है, और सुशांत राजपूत ने किस तरह से इसके बारे में मैसेजेस किए थे, कैसे उसने इसके बारे में सब उसके इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डाला था, ये सब कुछ मैंने 3 घंटे के उसमें मैंने सब बातें बताई थी। विथ सुशांत सिंह राजपूत ने जो पिक्चर डाले थे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, वो उसके रेफरेंस देके मैंने ये सब बातें कही थी। तो सबसे पहली बात है, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले तुमको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है, मैं कब से मेडिटेशन करता हूँ, मुझे कब से चैनलिंग जिसे कहा जाता है आप होती है, कब से मैं डायमेंशन में ट्रैवल कर पाता हूँ, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना भाई साहब, आप मेरे बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि मैं सच में बोलता हूँ आपके कर्मा आप खराब कर रहे हो। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार कहा था भाई तू ये मत कर, तेरे कर्मा खराब मत कर, वैसे उसका भर गया जब घड़ा। तो वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, नाम मुझे भी नहीं लेना है, मुझे भी नाम नहीं लेना है किसी का। तुम लोगों को 4 महीने पहले कोई कुत्ता नहीं पूछता था मार्केट में, जब हमने मेडिटेशन की और डायमेंशन की बातें चालू की, तब तुम यहाँ पे आके भोंकने लग गए हो। खुद को तो कुछ पता नहीं है डायमेंशन ट्रैवल क्या होता है, किताबें पढ़ने से डायमेंशन ट्रैवल नहीं होता है, उसके लिए साधना लगती है, उसके लिए आपके पूर्व जन्मों के कर्मिक जो फल है वो इम्पोर्टेंट है, इस जन्मों में बैठ के आग बंद करने से कुछ नहीं होता है। मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आज, और इसमें कोई ईगो नहीं है भाई साहब, इसमें मेरा कोई ईगो नहीं है,
ये ज्ञान है। अगर तुमको ज्ञान लेते वक्त अगर तुमको लग रहा है कि ईगो से बात कर रहा है, तो भाई साहब ईगो आप में है कि आप वो ज्ञान लेने के लिए एक्सेप्टेड नहीं हो। आप ज्ञान लेने के लिए एक्सेप्टेड नहीं हो। आपको पता है जो अभी यहाँ पे ज्ञान फैल रहे थे कि डॉक्टर जगदाल को चैनलिंग होती है क्या, वो किताबें पढ़ के, भाई साहब मैंने सबसे पहले 4 अप्रैल 2022 को तांडव की बात की थी, तांडव आने वाला है। कौन से किताब में लिखा भाई साहब मुझे बताओ भला, 4 अप्रैल को 2022 में तांडव की शुरुआत होने वाली है और तब पूरी दुनिया भर में सुनामी, बाढ़, अर्थक्वेक, साइक्लोन चालू हो चुके थे। यहाँ पे अगर कोई अपना अपना अपने धर्म का प्रोपेगेंडा करने आया होगा ना, जब मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पर जहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पता है मैं किकआउट कर दूंगा। तुम्हारे धर्म का प्रचार तुमको करना है, जो आपने खुद का चैनल खोलो वहाँ पे प्रचार करो। और जिनकी अर्थ है ना डॉक्टर जगदाल का ऐसा कुछ होता नहीं है, तो डायमेंशन ट्रैवल कैसे होता है, वो जो बोल रहा है ज्ञान फैल रहा है ना, उसके गुरुओं को पूछो भला जाके कि डायमेंशन ट्रैवल करते वक्त बादल बादल दिखते हैं। अरे बेवकूफ आदमी, डायमेंशन ट्रैवल में बादल दिखते ही नहीं है बच्चे। मैंने कहा ना बाप को चौदह मत सिखाया था, क्योंकि कलयुग में यही भाषा यूज करने वाला लगती है, क्योंकि जिनको बचाया जाए जैसे राकेश शर्मा जी का कल का एक मैंने वीडियो डाला है, इस कलयुग में तुम जिसका वस्त्र हरण करने से बचाओगे कल वही तुम्हारे वस्त्र निकालने के लिए कम नहीं करेंगे। टीके से इन लोगों को बचाया है, इनको जियोमो और 5G के 3+2G के रेडिएशन से कैसे बचना है वो बताया है, आज वही हमारे कपड़ों निकालने पे तुले हुए हैं।